हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कुछ भी नहीं कुछ मिनट में मिलेगा आपको बहुत कुछ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं साउथ के स्टार और हैंडसम स्टार बोल सकते हैं हम लोग, भाई साउथ में बोलते हैं उन्हें चॉकलेट स्टार। तो चलिए उनके फिल्म आई है किसकंदा, राम पोथनानी की फिल्म, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उस फिल्म के डायरेक्टर हैं बाईपति सीनू, जो कि मास मसाला फिल्मों को बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्म बनाई है, अखंडा बनाई है, और उससे पहले उन्होंने ओडू बनाई थी, और उनकी कुछ फिल्में हैं जो कि खतरनाक फ्लॉप हुई थी, जिनमें से एक थी वीवीआर जो रामचरण साथ बनाई थी उन्होंने। और अगर बात करें इस फिल्म स्कंदा की, तो ये फिल्म एवरेज के थोड़ा सा नीचे लगी मुझे को, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे ऐसे सीन्स थे इसको एलिवेट किया जा सकता था, लेकिन उनकी फिल्मों में अगर जब कोई जाता है फिल्म देखने ना, तो पहले तो आँख और जो भी फीलिंग्स होती होगी, जो फिजिक्स की जो भी सोचते होगे, उसे तो छोड़ के घर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी फिल्मों में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो एक लात मारता है पीछे 10 लोग पीछे भागते, और कोई सा भी अगर चौंकने वाली सीन आते फ़ोन पे वॉकी टॉकी भी बात करता है तब चौंक जाता है वो विलन। वो मार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर रहा है अपने घर पे मार रहा है, और वहाँ पे चौंक कौन रहा है? विलन। तो ऐसे ऐसे सीन्स हैं इस फिल्म का। और इस फिल्म का फर्स्ट हाफ की अगर बात की जाए तो फर्स्ट हाफ भी एवरेज रहा, सेकंड हाफ भी एवरेज रहा। और अगर इस फिल्म के सबसे बड़े पॉजिटिव की बात की जाए तो मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव लगे राम पोथनानी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा सा ठीक था, लेकिन स्क्रीन प्ले राइटिंग थोड़ा सा डुबो रही थी फिल्म को, और वो अगर थोड़ा अच्छी होती है तो इस स्टोरी में इतना तो दम था कि ये एक अच्छी देखने लायक फिल्म बन सकती थी। और बात करें डायरेक्टर इनके बाईपति सीनू की, तो वो अच्छे डायरेक्टर हैं, इनसे मास मसाला फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं, पर उनकी एक फिल्म हिट होती है दूसरी फिल्म फ्लॉप होती है, और बुरी तरह फ्लॉप होती है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे इस फिल्म ने सुनने में आया कि तेलुगु में अच्छा खासा था, वीकेंड का कलेक्शन किया 3 दिनों में, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।